हार्ट से जुड़ी किसी भी समस्या के लिए आएं मुग्धा ईईसीबी एंड हार्ट केयर सेंटर, जहां होता है 70% से 100% हार्ट ब्लॉकेजेस ट्रीटमेंट विदाउट सर्जरी, नो साइड इफेक्ट, विद एडवांस्ड साउंडलेस पीएसके मशीन। मुग्धा ईईसीपी एंड हार्ट केयर सेंटर, बिहाइंड माउंट कामल स्कूल, अजनी स्क्वायर, नागपुर। दूसरी पत्नी और बेटी की हत्या करने के बाद खुदकुशी करने वाले सचिन राउत को महज हफ्ते भर पहले ही नाजनीन के दूसरे से प्रेम संबंध होने का शक पैदा हुआ था। इस शक के चलते ही वह नाजनीन पर अलग होने की करार पर सहमति देने के लिए दबाव डाल रहा था। करार पर हस्ताक्षर नहीं करने से उसने नाजनीन और बेटे युग की हत्या कर दी। सचिन की पहली पत्नी तथा उसके परिजनों से इस आशय की जानकारी मिली है। इसके आधार पर पुलिस ने जांच आरंभ की है। ज्ञात हो कि सचिन राउत भीमनगर MRTC ने वाना डोंगरी के गोल्डन की होटल में नाजनीन और 2.5 साल के बेटे युग की हत्या करके फांसी लगा ली थी। उसने नाजनीन के सिर पर हथौड़ी से वार किया था। युग को गला घोटकर मारने का संदेह है। सचिन मध्य प्रदेश में रहने वाले रिश्तेदार के यहाँ शादी में गया था। वहाँ उसके नाजनीन से पहचान हुई। यह पहचान बाद में प्रेम संबंध में बदल गई। इस बात का पता चलने के बाद सचिन का उसकी पत्नी रुक्मिणी से विवाद होने लगा। रुक्मिणी बेटे और बेटी के साथ एकात्मता नगर में रहने लगी। बाद में सचिन नाजनीन के साथ लिविन में रहने लगा। हफ्ते भर पहले ही सचिन को नाजनीन के किसी से प्रेम संबंध होने का संदेह हुआ। इसे लेकर दोनों में जमकर विवाद होने लगा, जिससे सचिन बदले की आग में झुलस रहा था। 7 अप्रैल को रुक्मिणी के परिजन सचिन के घर गए थे। उस वक्त उसने रुक्मिणी के परिजनों को भी यह बात बताई थी। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ अभिषेक पांसी की रिपोर्ट।